नमस्कार, मैं माया। 79 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर आते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। यूपी के सहारनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को किया संबोधित, महागठबंधन और कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। धमतरी में नक्सलियों के साथ सीआरपीएफ जवानों के साथ हुई मुठभेड़, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, अफसर भी हुए जख्मी। भोपाल में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पोस्टर वार शुरू, कांग्रेस ने पोस्टरों के माध्यम से बोला हमला, बीजेपी ने भी गांधी खानदान को बनाया निशाना। लालकृष्ण आडवाणी के ब्लॉग पर सियासत जारी, बाबूलाल गौर ने किया समर्थन, कांग्रेस ने साधा था निशाना। और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने साधा निशाना, कहा मध्य प्रदेश में बसपा और सपा का नहीं है जनाधार। और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूपी के सहारनपुर में महागठबंधन और कांग्रेस पर तीखे हमले बोले। पीएम मोदी ने जहां जनता को मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए एसपी बीएसपी पर हमला बोला, वहीं आरएलडी के बड़े और छोटे चौधरी को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि वे बोटी बोटी वाले को सम्मान देते हैं और हम बेटी की बात करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताते हुए मोदी ने सवाल किया कि क्या देश को जवानों का मनोबल कम करने वाली सरकार चाहिए। उनका इशारा एफएसएसपीए की समीक्षा के कांग्रेस के वादे की तरफ था। अब वो कह रहे हैं ढकोसला पत्र में कहा है कि अगर वो सरकार में आएंगे तो हमारे सुरक्षा बलों को, हमारी सेना को जो ये रक्षा कवच मिला है उसको वो हटा लेंगे। इनका इनकी ये बातें आपको मंजूर है? कोई सेना का जवान इसको मंजूर रखेगा? अगर सेना के जवान को आप रक्षा नहीं करोगे तो कौन मां अपने बेटे को देश के लिए मरने के लिए आगे करेगी? क्या होगा देश का? और सिर्फ वोट पाने के लिए ये पाप कर रहे हो आप? सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां तो बोटी बोटी वाले लोग मैदान में हैं, मगर हम बेटी की बात करते हैं। अगर ये लोग सत्ता में आए तो मुस्लिम बेटियों के हित में लाए गए ट्रिपल तलाक अध्यादेश को कानून नहीं बनने देंगे। 11 अप्रैल को आपका बीजेपी को दिया गया एक एक वोट महिलाओं को सुरक्षा देगा, सेना के हाथ मजबूत करेगा और नौजवानों को रोजगार देगा। आपको बता दें कि इमरान मसूद का 2014 के चुनाव से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काटने की धमकी दे रहे थे। देश के गांव गांव शहर शहर एक मजबूत लहर जो आज दिख रही है वो आप सभी के यूपी के इस चौकीदार पर दिखाए प्रचंड विश्वास का परिणाम है। आपके विश्वास के कारण ही ईमानदार आज आश्वस्त है और भ्रष्टाचारी त्रस्त है, परेशान है। आपके विश्वास और साथ के कारण ही नामदारों के आगे कामगार भी सम्मान से खड़े हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में ही नक्सलियों ने दूसरी बार जवानों को निशाना बनाया। शुक्रवार सुबह धमतरी के चमेदा और सोहलेभाट के जंगल में सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। इसमें एक जवान शहीद हो गया, एक अफसर जख्मी है। जवानों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। इसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि जवानों के लौटने के बाद ही पूरी जानकारी मिल सकेगी। जवाब में जवानों ने भी मोर्चा संभाल कर फायरिंग की। दोनों ओर से मुठभेड़ अभी जारी बताई जा रही है। इससे पहले गुरुवार को कांकेर में नक्सलियों ने
बीएसएफ के जवानों पर हमला कर दिया था। इसमें बीएसएफ के एएसआई सहित 4 जवान शहीद हो गए थे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमतरी से सटे बालोद में चुनावी जनसभा है। लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ कई पोस्टर शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को 2014 के उसके वादे पोस्टर के जरिए याद दिलाए हैं। पोस्टर में 15 लाख के वादे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार जैसी कई बातें लिखी हैं। सबसे बड़ी बात, पोस्टर में कांग्रेस ने ठग मास्टर की थीम दी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जनता को लुभावने वादे देकर ठगा है। जनता इस चुनाव में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। वहीं मामले पर बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने गांधी परिवार को झूठ मास्टर बताते हुए कहा कि उन्होंने झूठ बोलकर देश की जनता के साथ ठगी की है। ठग मास्टर था, उन्होंने कहा ही था साहब स्मार्ट सिटी बनेंगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, एक भी बता दीजिए तो लोगों को ठगा है ना। चुनावी जुमले 15 लाख रुपए आएंगे, 1 साल के बदले 10 साल आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 20 लाख मकान हर साल बनाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ तो ठगा गया है, इसे ठग मास्टर है। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी के ब्लॉग पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल विपक्ष निशाने साध रहा है कि बीजेपी में उम्र दराज नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने आडवाणी के ब्लॉग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आडवाणी ने सही कहा है। साथ ही गौर ने कहा है कि अटल जी ने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था, यही हमारा आदर्श है। बता दें लालकृष्ण आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि हमने कभी भी राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन या देश विरोधी नहीं माना, जिसके बाद से ही आडवाणी सुर्खियों में आ गए हैं। सही कहा ना, पीछे पीछे मोबाइल पीछे, भारत के अंदर मोबाइल पीछे विरोधी दल जो है प्रतिपक्ष भी है, साथ ही अमेरिका भी प्रतिपक्ष थे। हमें किसी ने देशद्रोही नहीं कहा, ना हमने किसी को कहा देशद्रोही, बल्कि तो हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा। हमारा आदर्श तो यही, और वो भी श्रीमती इंदिरा गांधी हो या नरसिंह राव हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को युवाओं में कश्मीर का पक्ष रखने के लिए और सरकार का राष्ट्र का प्रतिनिधि बनाकर भेजते थे। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सपा बसपा के लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन दलों का कोई जनाधार नहीं है। वहीं पटेल ने कहा कि कुसमरिया हमारी विचारधारा से जुड़े हैं, वे हमारे लिए प्रचार करेंगे। पटेल ने यह भी कहा कि हमारी नीयत साफ है, हम जनता के हर मसले को हल करेंगे। हमारे बिंद संभाग का जहाँ तक प्रश्न है, समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का सर हमारे यहाँ था, वहाँ से सांसद भी चुने गए हैं, लेकिन वर्तमान समय में जितने भी बहुजन पार्टी के नेता थे वो सारे नेताओं का मोह भंग हो चुका है और सब वो कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। इस वजह से बहुजन का वहाँ कोई जनाधार नहीं है। नई कांग्रेस की स्थिति जो है विंध्य प्रदेश में मजबूत है और वहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस जीत करके आएगी। मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने शपथ के बाद अपने विभाग का अब तक का ब्यौरा दिया है। सिंह ने कहा है कि इंदिरा ज्योति योजना को लागू किया है, जिसका लाभ 61 लाख उपभोक्ता को मिल रहा है। कांग्रेस सरकार ने जरूरतमंदों का बिजली बिल आधा किया है। किसानों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए सिंह ने कहा कि किसानों को छोटे पंप चलाने के लिए निःशुल्क बिजली दी जा रही है। हम डायल 100 की तर्ज पर बिजली की समस्याओं के निराकरण के लिए कॉल सेंटर बनाए हैं, जो कि भोपाल, जबलपुर और इंदौर में चल रहे हैं। आगे भी और सेंटर हम बनाएंगे। 100 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को 100 रुपए में देने का निर्णय किया गया था, इसको हमने लागू किया और लगभग 61 लाख उपभोक्ताओं का आज इसका लाभ मिल रहा है। इसमें पहले जो 200 रुपए में जो सरल स्कीम चल रही थी, 200 रुपए में 100 यूनिट बिजली की, उसमें भी जो उपभोक्ता लाभ ले रहे थे उनको भी ये लाभ दिया जा रहा है। सरकार के ऊपर और सरकार द्वारा इस योजना के लिए
ताकि हम गरीब उपभोक्ताओं को लाभ दिला सकें। 2,226 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी गई। कच्छ के अंजार क्षेत्र में पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान अंजार के पीआई भरत सिंह परमार समेत तमाम अधिकारी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। वहीं पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कई वाहनों को चेक किया और वाहन से ब्लैक फिल्म हटाई गई। साथ ही पुलिस ने लोगों से सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की। कच्छ से भरत ठाकुर की रिपोर्ट। शासन द्वारा पंचायत में मजदूरों को 100 दिन काम देने का वादा किया गया है। वहीं पन्ना के पवई जनपद के ग्राम पंचायत नारायणपुरा में सरपंच और सचिव की मिलीभगत से पंचायत में जेसीबी से काम कराकर गरीबों का हक छीना जा रहा है। इतना ही नहीं, फर्जी नाम जोड़कर पेमेंट कर दिया जाता है। वहीं अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी दोषियों पर कार्यवाही नहीं की जाती, जिससे लग रहा है कि अधिकारी भी भ्रष्टाचार में शामिल नजर आ रहे हैं। पन्ना से संवाददाता सत्यम पांडे की रिपोर्ट। आपके द्वारा ये मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है, इस जांच कराई जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।